जिस दिन आपका बेटा विधायक बनेगा, किसी पुलिस वाले की, किसी प्रशासनिक अधिकारी की अगर हिम्मत हो जाए, पुलिस आपको सड़क पे अगर खड़ी मिल जाए, तो उस दिन मुख्तार की कॉलर पकड़ लेना, मुख्तार का कुर्ता पकड़ लेना, मुख्तार ज्यादा बिरादरी को एक साथ एक आंख से देखने का काम आपका बेटा करके दिखाएगा, हर आदमी के साथ इंसाफ करके आपका बेटा दिखाएगा। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जिस दिन पहले दिन मैंने ये कहा था कि चुनाव लड़ेंगे इन ताकतों के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, शायद आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें थी जो मुझे ताकत देती थी, मुझे हिम्मत देती थी। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि मुख्तार का सबसे पहला उसूल राजनीति का ये रहेगा, पूरे जीवन में किसी से जाति धर्म के नाम पर न भेदभाव करेगा, न वोट मांगेगा धर्म के नाम। दूसरा उद्देश्य मेरा राजनीति का ये था कि मैं मेरे इलाके के हर गरीब और अमीर आदमी के बच्चे को पढ़ाना मुख्तार की जिम्मेदारी होगी। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी से अच्छी जगह, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन जगह आपके बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस की संघर्ष में, आप तमाम नौजवान साथी जानते हैं कि हम इस लड़ाई को कहां से लेकर आए हैं, हम इस लड़ाई को वहां से लेकर आए हैं जहां इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हर आदमी दुखी था, हर आदमी परेशान था अंदर से, हर आदमी कुढ़न में था, लेकिन जवान नहीं खुलती थी डर के मारे कि बोलेंगे तो कल मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन इस लड़ाई को यहाँ तक ले आए। उस डर के खिलाफ मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी को जिस तरह आज बाजार जाओ, पुलिस वाला कहाँ आपके बेटों को, आपके भाइयों को रोक के खड़ा हो जाएगा पता नहीं है, फिर झूठे सच्चे मुकदमों में डालकर 5 लाख 8 लाख ले लेगा, आधा हिस्सा उनके आकाओं को जाएगा, आधा हिस्सा वो खाएंगे। आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जिस दिन आपका बेटा विधायक बनेगा, किसी पुलिस वाले की, किसी प्रशासनिक अधिकारी की अगर हिम्मत हो जाए, पुलिस आपको सड़क पे अगर खड़ी मिल जाए, तो उस दिन मुख्तार की कॉलर पकड़ लेना, मुख्तार का कुर्ता पकड़ लेना, मुख्तार ज्यादा दूर का नहीं है। पुलिस आप सब जानते हैं पुलिस आपके चुने हुए नेता को कमीशन पहुंचाती है, इसलिए वो आपकी जेब लूटती है, इसलिए वो आपको लूटा जाता है। नेता के पास जाओ, नेता बोलता है यार नेते के काम करवा लो, शर्म नहीं आती इस नेता को नेते के काम करवा लो, अरे तुझे किस लिए चुना निकम्मे, हमने तुझे किस लिए चुना। जिस दिन मुख्तार आपसे ये कहे कि नेते के काम करवा लेना, उस दिन मुख्तार से भी इसी भाषा में बात करना कि तुझे किस लिए चुना अगर हम नेते के काम करवाएंगे। बिजली घर में अगर कोई मेरे इलाके के आदमी से 5 पैसे ले जाए, मीडिया के साथियों के सामने कह रहा हूँ, ये वीडियो लेके आ जाना मेरे पास कि मुख्तार हमारी जेब से 5 रुपए इस बिजली वाले ने ले लिए, उसकी कॉलर पकड़ के उसके जेब से उसके गले में हाथ डाल के अगर 5 पैसे वापस नहीं लिए, तो फिर कह टंकी के नाम पर कोई गुंडागिर्दी कर जाए, पुलिस के नाम पर कोई गुंडागिर्दी कर जाए, उसकी मजाल नहीं होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी जिस दिन आपका बेटा बैठेगा कुर्सी पर। पूरा इलाका आज आपके साथ खड़ा है, सिर्फ मैं मेरे अपने परिवार के, अपने गांव के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज सारी दुनिया तुम्हें इज्जत देना चाहती है, आज सारी दुनिया तुम्हें नवाजना चाहती है, खुदा के वास्ते आप निकलिए घरों से और लोगों से मांगिए कि इस बार हमारे बेटे के लिए हमें हमारी झोली में वोट गिर दीजिए अपने बेटे के लिए। कल मैं डाटे और गाधानेर में था, उन्होंने पंचायत करके 10 के 10 गांवों ने पंचायत करके, आप डाटे ढोलेट यहाँ ढोल करके पूछ लेना, 10 के 10 गांवों ने ये कहा कि हम यहाँ से 98% से 100% पोलिंग करके जिता के भेजेंगे तुझे। मैं उनसे वादा करके आया हूँ, घाटमिका के सरपंच साहब उन्होंने बताया, मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि आप मुझे 98% पोलिंग करके भेजोगे, मैं मेरे इलाके के, मैं अपने परिवार खानदान के लोगों के सामने उदा का आकाता लेवड़ा पालड़ी सतवास में इनके लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये आपके मान सम्मान की बात है, वो 98% करेंगे, तुम 100% करके यहाँ से भेजोगे। आप लोग अगर मुझे यहाँ से जिता कर भेजोगे, जिस तरह का जोश जज्बा जुनून नौजवानों में है, ऐतिहासिक है, ये इतिहास बनाने का काम आप लोग करने जा रहे हो, तमाम तरह की बंदिशें, तमाम तरह की जो
बेड़ियों में जकड़े हुए थे उन तमाम बेड़ियों से आजाद होने की लड़ाई है। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग जिनके पास जो असबाब जो संसाधन है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल आसपास के गांवों में निकल जाइए, दूर दराज के गांवों तक जाइए, लोगों से शहर में जाए तो शहर में चर्चा करें, भाई इस बार हमारे लड़के को वोट दे दो, आप मेरे बारे में अच्छी बात उनको बताओगे उनको समझ आएगी, आपके बीच पला बड़ा हूँ, आप मेरे बारे में ज्यादा बेहतर जानते हो, किसी को मैं बताऊंगा हो सकता है मेरी बात का यकीन नहीं आए, आप किसी को बताओगे कि नहीं वो लड़का अच्छा है, चाल चलन का अच्छा है, तो उनका विश्वास जमेगा, उनका भरोसा मुझ पर जमेगा। आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ इन 10 दिनों को अगर हमने ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ लड़नी है तो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी व्यवस्था का हमें बनने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। एक बात और आपसे कहता हूँ, 200 विधानसभा है राजस्थान में और 200 विधानसभाओं में कामा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी हुई है, पूरे राजस्थान की। दिल्ली से पहली बार ऐसा हुआ हमारी माँ बहने दिल्ली तक गई कि इस अत्याचारी से इस जुल्म से हमें निजात दिला दो। पूरी दुनिया तमाशा देखती थी, पूरा राजस्थान तमाशा देखता था, पूरे दिल्ली की सियासत तमाशा देखती थी कि कौन लड़का यार ये मुख्तियार, कौन है ये मुख्तियार जिसने सरकार के मंत्री को घुटनों पर ला दिया, कदमों में ला दिया, जमीन तय कर दिया, कौन है मुख्तियार? आपसे वादा करके जा रहा है आपके परिवार का, आपके खानदान का, आपके इलाके का हमेशा इसी तरह मान सम्मान ऊंचा करने का काम आपका भाई करेगा। आप सब मिलजुल कर मुझे ताकत और हिम्मत देने का काम करिए। मैं अंततः मेरे गांव के, मेरे परिवार के जिम्मेदारों का, अन तमाम बुजुर्गों का जिन्होंने इतनी मोहब्बतों से मुझे यहाँ बुलाया और मेरा स्वागत सम्मान किया, मुझे ये पगड़ी सौंपी, मैं पूरे जीवन भर आपके इस सम्मान का, इस पगड़ी का पूरे जीवन भर मान और सम्मान रखने का काम करूँगा, पूरे जीवन भर इसका काम आगे बढ़ाने का काम करूँगा। तो आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब हम यहाँ से चल के अपने आसपास के गांवों में आज हमें घूमना है, आप सबको भी मैं दावत दे रहा हूँ, आप सब भी आए मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लेकर उन गांवों में चले, ये माहौल बन गया है और आप यकीन मानिए रिकॉर्ड वोटों से आप जीतने जा रहे हो, रिकॉर्ड वोटों से। शहर में सुने गया तो शहर आपको आपका जिता के भेज रहा है, शहर जिसकी कल्पना नहीं की थी, शहर के लोग ये कह रहे हैं कि आज तक किसी नेता को इतना चाहा नहीं शहर ने जितना तुम्हें चाहते हैं। आप सब बस शहर में एक एक आदमी से वोट मांग लीजिए, एक एक आदमी के पास चले जाइए, एक एक आदमी से हाथ जोड़ के वोट मांग लीजिए, इस बार हमारे नौजवान को चुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार सरपंच साहब